हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सविता कश्यप। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का जो ब्लॉग मेरा आ रहा है वो ये है कि मैं अपना डेली रूटीन का मेकअप कैसे करती हूँ। घर पर मैं जैसे रहती हूँ डेली, तो डेली का मेरा लाइट मेकअप कैसा होता है। तो मैं चलते हैं, चलो टाइम ख़राब करने से पहले चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी। तो गाइस, मैंने अभी फेस वॉश किया था और उससे पहले मैं थोड़ा सा ये मेरा सन लोशन क्रीम है जो मैं लगा लेती हूँ। मॉइस्चराइज़र भी है मेरे पास लेकिन वो ख़त्म हो रखी है फ़िलहाल। तो ये मेरे पास लोटस का सन लोशन क्रीम है मेरी, ये आप देख सकते हैं। तो ये मैं लगा लेती हूँ कई बार फेस पे, तो ये मेरा कंटिन्यू चलता है पूरा साल लगाती हूँ मैं इसको मतलब। तो ये अच्छे से मैं अप्लाई कर लूँगी। गाइज, मैंने ये अच्छे से अप्लाई कर लिया है, पूरा सूख गया है ये सूखने के बाद। अब मैं ये हल्का सा फाउंडेशन लगाऊंगी, ये मेरा ओरिफ्लेम का देख सकते हैं फाउंडेशन है ये वाला मेरा। और ये मैं हल्का सा ही अप्लाई करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ, थोड़ा सा ही लेती हूँ, ज़्यादा नहीं, इतना ही लेती हूँ गाइज मैं, ज़्यादा नहीं लेती हूँ। मुझे घर पे मतलब ब्लॉग्स भी बनाने होते हैं या मुझे रील्स बनानी होती है तो भी मैं ये हल्के से ही लगाती हूँ, इसी को मैं अप्लाई कर लेती हूँ। तो ये मैं डॉट वाइज ऐसे ऐसे करके लगाऊंगी। ये मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँ पूरे फेस पे। ये मेरा फाउंडेशन वाकई में डियर मतलब। तो मेरा गाइस फाउंडेशन आप देख सकते हो अच्छे से अप्लाई हो चुका है, ये मैंने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। तो अब सबसे पहले मैं लगाऊंगी सिंदूर, सबसे पहले मैं सिंदूर लगाऊंगी। सॉरी, थोड़ा गलत लग गया, सिंदूर लगाऊंगी। अब उसके बाद मैं लगाऊंगी काजल, ठीक है, ब्लू हेवन का काजल है ये, मैं लगा रही हूँ। बिना काजल के गाइज मुझसे लाइनर लगता नहीं है, मैं काजल जरूर लगाती हूँ क्योंकि मतलब कई लोग ऐसे अंदर तक लगा लेते हैं लाइनर, तो मुझसे नहीं लगता है, मुझे काजल लगाकर ही लाइनर लगा पाती हूँ, ऐसे नहीं लगा पाती हूँ। तो गाइस, ये मेरा है लाइनर हुडा ब्यूटी का, देख सकते हो ये वाला लाइनर मैं लगा रही हूँ। मैंने लाइनर लगा लिया है, आप देख सकते हो। अब उसके बाद मैं हल्का सा, ये मेरा आई शेडो है, मुझे बहुत पसंद है मतलब मेरे फेस का कलर है ये, तो मैं हल्का सा लगा लेती हूँ इसको। तो मतलब इतना ज़्यादा दिखता तो नहीं है बट मुझे अच्छा लगता है, ये लगा लेती हूँ। ये मैं फिंगर से ही लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं इतना पता नहीं चल रहा इसको। देखो बिल्कुल हल्का है ना, तो पता नहीं चल रहा है। अब मैं लाइनर ये ऊपर भी अप्लाई करूंगी।
ऊपर भी अप्लाई कर लिया है लाइनर अच्छे से। अब ये मेरा मस्कारा है, इसको मैं अप्लाई करूँगी। गाइस ये मैं लिपस्टिक है मेरी ये वाली, देख सकते हो, तो ये मैं अप्लाई कर रही हूँ। गाइस अब मेरा फेस देख सकते हो कितना सही लग रहा है पहले से तो। और ये मैं बिंदी लगाऊंगी, बिंदी मैं कैसी भी लगा लेती हूँ, बड़ी भी प्लेन भी कैसी भी। सो ये ऊपर थोड़े ये वाली बिंदी लगाऊंगी मैं आज। तो गाइस मेरा मेकअप तो मेरा रेडी हो चुका है, अब बस बालों को बांधूंगी। तो आप बताइए प्लीज़ गाइस कैसा लगा मेरा मेकअप आप लोगों को। मैं डेली यही मेकअप करती हूँ, डेली ऐसे ही मेकअप अप्लाई करती हूँ। तो आप डेली अपना घर में इस टाइप का मेकअप, लाइट मेकअप इसे कहा जाता है, आप ये मेकअप घर में डेली अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आई शेडो तो ये है कि आपको पसंद है तो लगाओ, वरना अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। वरना लाइनर और ये तो मतलब बहुत अच्छा लगता है आँखों में, मतलब लगाओ तो कंटिन्यू अच्छा लगता है। तो मैं लगा लेती हूँ, ऐसा नहीं है जब मुझे रेडी होना होता है ब्लॉग्स के लिए या वैसे, तो मैं यही मेकअप करती हूँ, बस इतना ही करती हूँ, और नहीं करती हूँ कुछ भी। चाहे आपको देखने में लगता होगा बहुत सारा मेकअप किया, बट नहीं, मैं इतना ही करती हूँ। हाँ कहीं जाती हूँ पार्टी वेयर शादी वेयर में कहीं जाऊँगी तो मैं करूँगी ज़्यादा, वरना अदरवाइज़ मैं इतना ही मेकअप करती हूँ। तो अब मैंने ये बाल बांध लिए हैं और कैसे लगे हैं मुझे अपने फेस पर घर में, मतलब मुझे जुड़ा ही इससे बेस्ट लगता है, ना चिपचिपाहट ना कोई दिक्कत, और बिल्कुल सॉफ्टली लग रहा है मुझे मेकअप। देखो लग ही नहीं था कि मैंने मेकअप इतना सारा किया है, तो बहुत सॉफ्टली मेकअप लग रहा है मुझे अपना। तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कैसा लगा मेरा ब्लॉग आप लोगों को। थैंक यू सो मच।